नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करना चाह रहे हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र के विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज फिर से महत्वपूर्ण विषय होने के कारण एक बार फिर से उस बारे में अपन बात करते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल के माध्यम से अच्छी बातों का और अच्छे अच्छे वीडियोस का लाभ लेना चाहते हैं तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर अपने लिए यह वीडियो सुरक्षित करें, जिससे सबसे पहले आप लोगों को यह वीडियो मिले। इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त हो, आप इससे लाभ लें। मैं पंडित रामकिशोर शर्मा विद्यानगर भोपाल से एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में बताना चाहता हूं। तो सुनिए, जिस प्रकार इसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, यह माता जी का एक बीज मंत्र का स्तोत्र है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है और इस दुर्गा सप्तशती में देवी द्वारा कहे गए जो शब्द वाक्य है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस स्तोत्र के माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ा ही सकते हैं और दूसरों का भी लाभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको किस प्रकार से करना चाहिए यह इस विषय में आज आपको बताते हैं। इसमें ना तो अर्गला की जरूरत है, ना कीलक की जरूरत है और ना ही कोई ध्यान वगैरह की, न्यास वगैरह की जरूरत रहती है। सिर्फ इसमें आप शुद्ध भाव से देवी माँ की फोटो मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पतंजलि से जो घी प्राप्त हो रहा वह भी शुद्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो घी का दीपक जलाइए, शुद्ध भाव से माता जी को प्रणाम करें और नैवेद्य अर्पण करें, सुगंधित धूप बत्ती वगैरह लगाकर आप ये स्तोत्र शुरू करिएगा। सबसे पहले इसका जो विधान है वह आप बहुत ही गोपनीय है, इसको बताना भी गोपनीयता को भंग करना है, लेकिन सब लोग इसका लाभ ले सके इसलिए इसको आज उजागर कर रहे हैं माता जी की कृपा से, महामृत्युंजय भोलेनाथ की कृपा से। यह शिव और पार्वती संवाद का एक स्तोत्र है, जिसके द्वारा आप अपनी कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में जो प्रकाश रहता है वह दिखता नहीं है, इसको अपन ओरा बोलते हैं। अपने सिर के आसपास एक चक्र जैसा प्रकाश रहता है जिसको सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यदि कुछ समय प्रयत्न करने के बाद इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के द्वारा आप अपने स्वयं के ओरा को देख सकते हैं। वह ओरा रहता है शुद्ध विचारों का, सात्विक विचारों का। तो दोस्तों, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो विधान है वह सुनिएगा। इसका जो सबसे पहले मंत्र है उसको एक ही श्वास में बोलना है, आपको अभी तक किसी ने यह नहीं बताया होगा, उसका विधान ही है एक श्वास में बोलना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे, ओम ग्रुम हुम क्लीम झूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। यह एक ही श्वास में बोलने वाला मंत्र है। इसके बाद नमस्कार बीज मंत्र शुरू होता है, वह आप शुरू करिए। नमस्ते रुद्र रूपण्ये, नमस्ते मधु मर्दनी, नमः कैट वहारिण्ये, नमस्ते मही सार्दनी, नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभा सुरघातिनी, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्मे। जब आप इस मंत्र को बोलेंगे, इस श्लोक को, इस लाइन को बोलेंगे, तब आपके अंदर ये भाव अपने आप जागृत होंगे,
कि मैं इस मंत्र के इस स्तोत्र के पाठ से अपने अंदर की शक्ति का जागरण कर रहा हूँ, जागरण हो रहा है, यह आप स्वयं भी महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों यह उसका विधान है। इस प्रकार आप पूरा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को पाठ करके और माता जी को शुद्ध भाव से इसका समर्पण करें, क्षमा याचना करें, क्षमा प्रार्थना करें कि हे माता जी, मैंने जो आपका पाठ किया है इसमें जो भी त्रुटि गलती हो उसे आप क्षमा करते हुए बालक समझकर क्षमा करेंगी और मेरे इस स्तोत्र के फल को आप प्रदान करेंगी। ऐसा कहते हुए माँ को वह अर्पण करें और उसके बाद आरती करें, नैवेद्य लगाएं माता जी को। तो दोस्तों यह सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ यदि आप लोग करते हैं तो इससे निश्चित रूप से ही आपको लाभ मिलेगा, आपको इसका फायदा होगा। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है, इसको आप करिएगा। यदि आपको कोई समस्या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे फोन पर यह बात पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से इसका और भी रहस्यात्मक जो स्वरूप है वह बताऊंगा, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जय माता दी।